दुर्गेश क्लास में आप सभी का स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें। जानते हैं JSSC TGT का अपडेट, सरकार मांगे पूरी करें नहीं तो दे इच्छा मृत्यु का। प्रेस वार्ता करते शिक्षक PTP संघ के सदस्यगण, चित्रपुर स्थित रोशन लाइन होटल सभागार में हाई स्कूल शिक्षक PRT संघर्ष समिति की राज्य स्तरीय प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में राज्य के 24 जिलों से शिक्षक आए हुए थे। आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से हाई स्कूल शिक्षक PRT संघर्ष समिति में मनोज कुमार मौजूद थे। मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वर्ष 2016 में 18,699 शिक्षक की नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित की थी। इसमें प्राथमिक शिक्षक के लिए 4,369 सीटों पर परीक्षा लिया गया था। परीक्षा में मात्र 621 अभ्यर्थी ही सफल हुए हैं। इस कारण 3,768 सीट रिक्त रह गई है। इस पर शिक्षकों का कहना है कि PRT की जो सीटें रिक्त रह गई है वैसे इसी बहाली से सीधी नियुक्ति से रिक्त सीटों पर भरा जाए। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2016 एवं JSSC नियमावली के तहत 25% रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति की जाए ताकि परीक्षा में सफल शिक्षकों को नौकरी मिल सके और उनका भविष्य उज्जवल हो सके। हाई स्कूल शिक्षक PRT संघर्ष समिति के शिक्षकों ने स्पष्ट कहा कि सरकार पिछले 14 महीने से ठगने का काम कर रही है जो अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि शीघ्र ही हमारी मांगों को नहीं माना गया तो वो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। आंदोलन से भी सरकार बात नहीं मानी तो विधानसभा के समक्ष हजारों शिक्षक आत्मदाह करेंगे। इसकी सारी जवाबदेही राज्य सरकार की होगी। मौके पर सुनील कुमार निभाई मंडल, राजेश टुडू, मनीष अभी, मुकेश रंजन, मिथिलेश कुमार, औरंगजेब प्रिया, पाहन सीमा कुमारी, राजकुमार आदि उपस्थित थे। मनोज कुमार ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान रघुवर सरकार शिक्षकों के विरोध कार्य कर रही है। तो ऐसी अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।